हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पुराने दुपट्टे का बहुत ही ब्यूटीफुल रीयूज़ आइडिया। आज हम बनाएंगे पुराने दुपट्टे से एक बहुत ही खूबसूरत सा हैंडबैग। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो दुपट्टे यूज़ कर लिए हैं जो कि मैं यूज़ नहीं करती थी, ये बहुत पुराने हो गए थे। तो दोस्तों, इसे हमें इस तरह से लंबी लंबी इसकी हमें ना पट्टियाँ निकाल लेनी है। इस तरह से ये निकल जाएंगी दोस्तों। पहले मैंने रेड की निकाल ली है, फिर ब्लू को निकाल ली है, और इसका मैं जैसे ऊन का गोला होता है ना, आपस में नॉट डाल के मैं इसका ऊन का गोला बना लूँगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना बैग। दोस्तों, इस पर्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 6 नंबर का क्रोशिया। अगर आपको क्रोशिया वर्क नहीं भी आता है दोस्तों, तो आप इसे देखकर सीख सकते हो, बहुत ही आसान है। ये देखिए, मैंने ना यहाँ पर इसे नीचे से एक नॉट डाल के लूप की तरह पहले पकड़ा है, और अब मैं क्रोशिया में धागा लपेट कर उस सर्कल से निकाल रही हूँ, उस लूप से निकाल रही हूँ। इस तरह से चेन बन जाती है दोस्तों। और ये देखिए, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 40 चेन्स। अगर आप भी इस DIY को ट्राई करते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 40 चेन लूँगी। ये देखिए, बहुत आसान है, क्रोशिया में धागा लपेटना है और सर्कल से निकाल लेना है। इस तरह से ये बनता चला जाएगा। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप चाहते हो कि मैं बगैर क्रोशिया के आपको बैग बनाना बताऊं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बट मुझे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने पहले यहाँ पर 40 चेन्स यहाँ पर मैंने इस तरह से बना ली है। ये देखिए, इस तरह से ये बन जाएगी। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, जहाँ से हमारी चेन ख़त्म हुई है ना, वहीं से हमें स्टार्ट कर देना है। क्रोशिया को टर्न करना है और धागा ऊपर लाना है और चेन के ऊपर से बुनना है, ठीक है। यहाँ पर अब हम बीच में कोई भी एक्स्ट्रा चेन नहीं लेंगे, हम इसे सिंगल क्रोशेट ही करेंगे, और पहले एक तरफ की लाइन पूरी करेंगे और फिर उसे टर्न करके दूसरी तरफ की कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों, हमारा जो बैग है उसका बेस बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, बगैर बेस के तो कुछ नहीं बनता है ना, तो पहले हम बेस बना लेंगे। और अब हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, हमें बस इस सिंपली हमें बुनते चले जाना है, कुछ नहीं करना है। बीच बीच में बस मैं ये जो धागे हैं इनके कलर्स में चेंज करती रहूँगी। देखिए, 3 लाइन में रेड की बुन लूँगी या 2 लाइन में रेड की बुनूँगी, फिर मैं 2 लाइन ब्लू की कर दूँगी, कुछ नहीं करना है। बीच में मैं एक भी चेन नहीं ले रही हूँ, सिंगल क्रोशेट करना है। ये देखिए, और सिंगल क्रोशेट भी बहुत आसान है। ये देखिए, हमें अंदर से क्रोशिया डालना है, हमें पकड़ के धागा ऊपर लाना है, फिर एक लेयर लपेटनी है क्रोशिया में और 2 घर से निकाल लेनी है। बस इस तरह से करते हैं और कुछ नहीं करते। मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ही सिंपली शेयर करती हूँ, और मैं कभी भी डिज़ाइन वाला क्रोशिया नहीं बनाती हूँ, ताकि मेरे जो आम व्यूअर हैं वो सिंपल टैक्टिक देखकर सीख जाएं। तो इस तरह से मैं बना लूँगी दोस्तों, और ये इस तरह से मेरा जो बैग है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग देखते जाइए कि ये कैसे बन रहा है। दोस्तों, मुझे जितना बड़ा बैग चाहिए था, जो मुझे लग रहा था कि मेरे 2 दुपट्टे में बन जाएगा, मैंने उतना बड़ा बैग यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, दोनों साइड से ना 4 घर छोड़कर, ये देखिए दोनों साइड से मैं 4 4 घर छोड़कर अब मैं अगेन बुनना स्टार्ट करूँगी। रेड वाला जो धागा है, मैं इसे धागा ही बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पर इसे पहले टाई अप कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, उधर साइड से भी ना 4 घर छोड़कर सिंगल क्रोशेटिंग में कर लूँगी। बहुत ही आसान है। इस तरह से क्या होगा ना, कि जो पर्स होता है ना, उसका जो इस तरह से इसमें ऐसी डिज़ाइन बन जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान है, मैंने सिर्फ सिंगल क्रोशेटिंग यहाँ पर कर ली है।
दोस्तों अब बैग के दोनों किनारों पर मैं इस तरह से चार चैन लेकर एक तरफ से स्टार्ट करूंगी सिंगल क्रोशेट करके, दूसरी तरफ पे एंड करूंगी। ये हम दो हूप बना लेंगे। इसमें हम पर्स का हैंडल लगाएंगे। पर्स में हैंडल लगाने का जो हूप होता है ना, वो हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं ये बटन यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ ऊपर भी बटन लगा दी है और इस तरफ नीचे भी लगा दूंगी, तो इस तरह से ये बैग का क्लोज़र बन जाएगा। मेरे पास अभी मैग्नेट वाले बटन नहीं है, वरना मैं उसे इस्तेमाल करती। आप चाहें तो इसमें जिप लगा सकते हैं या आप मैग्नेट वाला बटन भी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसे थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। तो मेरे पास ये कुछ गोल्डन कॉइन्स रखे हुए थे, तो सोच रही हूँ कि इसमें मैं लगा देती हूँ। तो सुई धागे की मदद से मैं इसमें ये कॉइन्स लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो काउरी शेल्स भी लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा बैग बनके तैयार है। और दोस्तों ये काफ़ी मोटा है, तो मुझे इसमें लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लाइनिंग मैंने नहीं लगाई है। तो चलिए इसके किनारे में अब हम लगा देते हैं हमारा बेल्ट। तो दोस्तों ये जो बेल्ट है ना, ये मेरे पास एक स्लिंग बैग है, तो उसमें मुझे ये एक्स्ट्रा मिला था, और कि उसमें अगर मैं चाहूँ तो इसे हैंड बैग की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास रखा हुआ था। तो लकीली आज ये इसमें मैचिंग भी कर रहा है और काम भी आ जाएगा, काफ़ी अच्छा भी है ये हैंडल, तो इस तरह से इसका भी रीयूज़ हो गया। ये देखिए ये काफ़ी स्पेशियस है दोस्तों, इसमें मोबाइल आप रख लीजिए, छोटा सा पाउच रख सकते हैं, अपना मेकअप रख सकते हैं इस तरह से। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। आप भी बताइएगा आपको ये बैग कैसा लगा।